हम भारतवासी जब भी खेल की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग सिर्फ क्रिकेट का नाम लेते हैं। उन्हें क्रिकेट के हर खिलाड़ी का नाम, उनके बारे में डिटेल्स पता होती है, जिससे कि कहीं ना कहीं बाकी स्पोर्ट्स के लिए एक डीमोटिवेशन की बात आती है। आज हम द कॉर्ड पर चर्चा करेंगे एक ऐसे खिलाड़ी की जिन्हें हाल ही में बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। और हाँ, हम किसी क्रिकेट के खिलाड़ी की बात नहीं कर रहे, हम बात करने जा रहे हैं इंडियन फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री। हाल ही में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल यानी कि फीफा ने विश्व भर के टॉप 3 गोल स्कोरर्स की एक तस्वीर अपनी सोशल मीडिया साइट पर अपलोड की है और सभी भारतवासी एवं फुटबॉल प्रेमियों के लिए ये एक गर्व की बात है कि मौजूदा फुटबॉल जगत के खिलाड़ियों में तीसरे नंबर पर भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री को विनर्स पोडियम में खड़ा कर उस तस्वीर के द्वारा उन्हें सम्मान दिया गया है। उनके साथ पोर्चुगल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो 117 गोल्स के साथ प्रथम स्थान पर हैं और अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी 90 गोल्स के साथ दूसरे स्थान पर हैं। सुनील छेत्री 84 गोल्स के साथ तीसरे स्थान पर हैं। इस तस्वीर को रिलीज करने की एक खास वजह ये भी है। फीफा ने लिखा है कि हम सभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के बारे में तो जानते ही हैं, तो आइए जानते हैं फीफा प्लस में कैप्टन फैंटास्टिक सुनील छेत्री के बारे में। दरअसल फीफा की ओरिजिनल प्रोडक्शन ने सुनील छेत्री पर 3 एपिसोड्स की एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाई है जो कि फीफा प्लस पर अवेलेबल है। इस सीरीज को उन्होंने कैप्टन फैंटास्टिक का नाम दिया है और पहले एपिसोड को किक ऑफ, दूसरे को मिड गेम और तीसरे एपिसोड को एक्स्ट्रा टाइम बताकर रिलीज किया गया है। When he first stand on his 2 feet, that was the time he wanted that balloon from her mom. He has not learned how to walk, but in that position also he kicked. We both were so amazed to see him grow like that. शायद मेरा घर से था, मेरा माँ के घर से था, क्योंकि मेरा 5 भाई फुटबॉल खेलते थे और मैं वॉलीबॉल भी बहुत अच्छा खेलती थी। आई एज अ आर्मी मैन आई यूज्ड टू प्ले इन माय रेजिमेंट इन माय कंपनी। ये सीरीज सुनील छेत्री के जीवन और उनके फुटबॉल करियर को दर्शाती है। इस सीरीज के कुछ दृश्यों को बेंगलुरु में फिल्माया गया है जहाँ सुनील छेत्री रहते हैं और दिल्ली के भी कुछ दृश्य हैं जहाँ उनके माता पिता रहते हैं। देखा जाए तो ये एक बहुत ही बड़ा सम्मान है जो भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान को दिया गया है। बड़ा इसलिए भी क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करना इंडियन फुटबॉल टीम के लिए अभी भी एक सपना ही है, जिसे पूरा करने की कोशिश आज भी जारी है। हो सकता है कि इस सीरीज के बाद इंडियन फुटबॉल को फायदा भी हो, शायद उन्हें वो एक्सपोजर मिले जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है। हाल ही में 14 जून 2022 को AFC एशिया कप क्वालिफाइंग मैच में सुनील छेत्री ने हांगकांग के खिलाफ गोल दागकर हंगरी के महान खिलाड़ी फेरेंक पुस्कास के 84 गोल्स की बराबरी की थी, जिसके लिए 2 बार इंग्लिश प्रीमियर लीग विजेता टीम टॉटनम हॉटस्पर ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर सुनील छेत्री को बधाई दी। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान और स्ट्राइकर सुनील छेत्री का जन्म 3 अगस्त 1984 को सिकंदराबाद में हुआ था। भारतीय फुटबॉल टीम के इतिहास में सुनील छेत्री अब तक के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2002 में मोहन बगान एथलेटिक क्लब के साथ अपने प्रोफेशनल फुटबॉल करियर की शुरुआत की, 2005 में JCT FC और 2010 में अमेरिकन फुटबॉल के बड़े क्लब स्पोर्टिंग कंसास सिटी के लिए भी खेला। 2015 के इंडियन सुपर लीग में मुंबई FC ने 1,20,00,000 रुपए में उन्हें पिक किया, जिस वजह से वो उस ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी बने। नेशनल टीम के अलावा वो आज बेंगलुरु FC के लिए भी खेला करते हैं। सुनील छेत्री ने अपनी लगन, अपनी मेहनत और अपने टैलेंट से फुटबॉल जगत में एक बहुत बड़ा नाम कमाया है और भारत के हर फुटबॉल प्रेमी ने उन्हें वो प्यार और इज्जत भी दी है। लेकिन इस चर्चा पर द कॉर्ड के कुछ सवाल। क्या पूरी भारतीय फुटबॉल टीम को यही इज्जत और यही प्यार सभी भारतीयों से मिलता है? क्या उन्हें भी उसी लेवल की फैसिलिटीज मिलती है जो इंडियन क्रिकेट टीम को दी जाती है? हम यहाँ फुटबॉल और क्रिकेट टीम को कंपेयर नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि आज ऐसे कितने लोग होंगे जो फुटबॉल टीम के सभी प्लेयर्स के नाम जानते हो? क्या हमारे देश के बड़े बड़े नेता, खेल मंत्रालय फुटबॉल के लिए भी वही ऊंचाई छूने की व्यवस्था कर सकते हैं जो क्रिकेट को मिलती है? नेताओं से हमारी उम्मीद यही है, लेकिन अफसोस
कहानियां कुछ और बयां करती हैं। हाल ही में हुए डूरंड कप के फाइनल में बेंगलुरु एफसी ने मुंबई एफसी को हराकर प्रतियोगिता जीती, और जैसा कि हर प्रेजेंटेशन सेरेमनी में होता है, ट्रॉफी देने के लिए कोई एक ऐसे नेता को बुलाया गया जिनका खेल से कोई नाता नहीं होता। सुनील छेत्री, जो कि बेंगलुरु एफसी के कप्तान भी हैं, ट्रॉफी लेने के लिए स्टेज पर आए और पश्चिम बंगाल और मणिपुर के गवर्नर ला गणेशन ने फोटो खिंचवाने के चक्कर में सुनील छेत्री का हाथ ट्रॉफी से दूर कर दिया। उन्हें लगा कि उनकी फोटो सही नहीं आ रही है और इस बात के लिए उन्होंने कप्तान का हाथ ट्रॉफी से ही हटा दिया। ये वाक्या कैमरे में कैद हो गया और गवर्नर पर पूरे देश का गुस्सा फूटा। लोगों ने सोशल मीडिया पर कई टिप्पणियां भी की और सुनील छेत्री के नर्म व्यवहार की सराहना भी की। द कॉर्ड पर हम इस इंसिडेंट को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय पायदान पर सुनील छेत्री को जो इज्जत दी गई है वो काबिले तारीफ है। जिस तरह फीफा उनका सम्मान कर रही है, इससे पता चलता है कि फुटबॉल जगत में सुनील छेत्री ने कितनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। लेकिन हमारे ही देश में हमारे ही नेता सुनील छेत्री का सम्मान करना नहीं जानते हैं। द कॉर्ड की टीम भी गवर्नर गणेशन की इस हरकत की निंदा करती है। आज फीफा ने जो सम्मान सुनील छेत्री को दिया है, उनके लिए हम भी उन्हें बधाई देते हैं। भारतीय फुटबॉल टीम को आज उन्होंने जिस स्तर पर पहुंचाया है, आज उनके नाम के बिना शायद ये नामुमकिन था। द कॉर्ड के जरिए हम हमारे दर्शकों से ये भी गुजारिश करते हैं कि फीफा प्लस में रिलीज की गई कैप्टन फैंटास्टिक की डॉक्यूमेंट्री को जरूर देखें और सुनील छेत्री के बारे में उनके फुटबॉल करियर और उनकी अनसुनी कहानी को और गहराई से जानने की कोशिश करें। देश विदेश से जुड़े किसी भी विषय पर अगर आप चाहते हैं कि द कॉर्ड का एपिसोड बनाया जाए तो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं dreamlensTV@gmail.com पर, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। मैं पंकज शास्त्री आज आपसे विदा लेता हूं। द कॉर्ड के अगले एपिसोड पर फिर से मुलाकात होगी आपके अपने द कॉर्ड के यूट्यूब चैनल पर।